दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑफिशियल वीवो यूज़र चैनल को और बाजू में रहा बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक पूरा देखिएगा क्योंकि थीम का पासवर्ड भी वीडियो में ही छुपा हुआ है, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि IQ3 वाले आइकन्स आपको दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप सब कुछ दोस्तों, इसका कंट्रोल पैनल दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है, बिल्कुल IQ वाला आइकन के साथ। दोस्तों अब बता दूं कि आपको नोटिफिकेशन पैनल दोस्तों में कुछ भी चेंजेस नहीं, दोस्तों आपको डायलॉग में इस प्रकार के चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। फिर दोस्तों बात करें तो इसकी सेटिंग्स की, सेटिंग्स भी दोस्तों आपको IQ वाले ही देखने को मिल जाएंगी। फिर दोस्तों हम चलते हैं सिस्टम अपडेट्स में। दोस्तों आपको कम्प्लीट IQ वाला मॉन्स्टर UI वाला लोगो सिस्टम अपडेट में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, आपको जनरल में अबाउट फोन में दिखा दूँ दोस्तों, उधर भी दोस्तों सॉरी और फोन में तो दोस्तों आपको उधर भी IQ का लोगो देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों IQ UI करके मस्त लोगो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सेटिंग्स भी इसकी बढ़िया ही है दोस्तों। अब इसकी बात बता दूँ, इसके बाद तो वह है दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन दोस्तों बहुत बढ़िया सी होने वाली है, आप देख ही सकते हैं इधर आपको फिंगरप्रिंट का लोगो भी देखने को मिल जाएगा जो कि कंप्लीट IQ वाला है। दोस्तों वॉलपेपर भी बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगा, IQ वाला दोस्तों बहुत बढ़िया है। दोस्तों आपको ये थीम डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सब कुछ कंप्लीट IQ वाला देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल ZRTR ऐप ओपन कर लीजिएगा दोस्तों, ये मैं कर लेता हूँ। तो आपको जैसे कि आपको ये वैसे जीप फाइल में देखने को मिल जाएगा, तो आपको पासवर्ड डाल के ये एक्सट्रैक्ट कर देना है दोस्तों। ये एक्सट्रैक्ट करता हूँ दोस्तों, इधर अपलोड ऑल फाइल्स रिप्लेस कर देना है, फिर आपको इधर पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड दोस्तों वीडियो में ही छुपा हुआ है तो वहीं से आप डाल लीजिए दोस्तों। फिर आपको जैसे कि आपका IQ by View करके एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, तो आपको उसी में जाके दोस्तों ये कॉपी कर लेना है। देखिए दोस्तों कॉपी का आइकन है, तो मैं इधर कॉपी कर लूँगा। फिर डिवाइस मेमोरी में जाऊँगा, DWD के फोल्डर में C, और सभी फोल्डर ओपन करते जाऊँगा जितने भी निकलेंगे। लास्ट एक टी करके फोल्डर होगा दोस्तों, तो उधर दोस्तों मैं ये पेस्ट कर दूँगा। इधर पेस्ट का आइकन आएगा दोस्तों, तो आपको वहीं से ये पेस्ट कर देना है। देख सकते हैं आपको मेरा इधर IQ RTZ करके ये थीम देखने को मिल जाएंगे। तो फिर आपको दोस्तों बैकग्राउंड से ZRTR ऐप हटा देना है। फिर सिंपल सा दोस्तों आपको IT ऐप ओपन कर लेना है, लोकल में चले जाना है दोस्तों, पहला आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सिंपल सा इसे अप्लाई कर लेना है दोस्तों। दोस्तों अप्लाई हो रही है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल ना भूलिएगा। आप देख ही सकते हैं ये कंप्लीट अप्लाई हो चुकी है। फिर दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन भी देख सकते हैं आप, सब कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में।